हेलो गाइज, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज हम जानेंगे किटोरोलैक टेबलेट के बारे में। ये टेबलेट क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और इस टेबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो किटोरोलैक एक जेनरिक नेम है, ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी, लेकिन अपने इस वीडियो में किसी ब्रांड की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इस मेडिसिन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, यानी कि ये उन दवाओं से संबंधित है जो दर्द को कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं, यानी कि बॉडी में कहीं पर भी किसी तरह का भी पेन हो रहा है तब उसको कम करती हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है दर्द और सूजन के लिए। जब ये मेडिसिन बॉडी में जाती है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में पेन और स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। इस टेबलेट का इस्तेमाल सर्जरी के बाद किया जाता है, यानी कि अगर किसी की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को किसी तरह की चोट लग गई है, हड्डियों में चोट लग गई या फिर मसल्स में पेन हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक मेडिसिन आती है जिसको किटोरोलैक डीटी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल दांत के दर्द में काफ़ी अच्छा होता है, उसमें किटोरोलैक होता है। जब किसी को टूथ पेन हो रहा होता है, यानी कि दांत में दर्द हो रहा होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबलेट का इस्तेमाल एनेस्थीसिया देने से पहले किया जाता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है तो ऐसे पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है। तब एनेस्थीसिया देने के पहले किटोरोलैक टेबलेट को दिया जाता है। जब किसी महिला की डिलीवरी होनी होती है तब लेबर पेन को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट के गुर्दे में पथरी है, यानी कि रीनल कोलिक है, और उसको दर्द हो रहा है, तब उस दर्द को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या क्या डोजेस होते हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इस टेबलेट का इस्तेमाल बच्चों में नहीं किया जाता है जिनकी एज 14 साल से कम होती है, तो ऐसे बच्चों में इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका यूज़ सिर्फ एडल्ट्स में ही किया जाता है। इस टेबलेट को स्टार्टिंग में 20 mg देते हैं, जब रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को तो 10 mg हर 4 से 6 घंटे पर दे सकते हैं। इस टेबलेट का जो असर होता है, बॉडी में इफेक्ट होता है, वो 20 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस टेबलेट को लेने के बाद 15 से 20 मिनट में दर्द कम होने लगता है। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टेबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मिदली लगती है, उल्टी हो सकती है, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी भी हो सकती है। इस टेबलेट को लेने से इंडाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर गैस की समस्या हो सकती है, या फिर डायरियल कंडीशन भी हो सकती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें तो आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से और सही डोज से ना लिया जाए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट पहले से ही नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी की मेडिसिन ले रहा है, यानी कि पहले से ही कोई दर्द की दवा ले रहा है, या फिर नशीली दवाओं का सेवन करता है, या फिर जैसे कि ओपियोइड मेडिसिन होती हैं, मॉर्फिन मेडिसिन होती हैं, तो उनके साथ में इस टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों में इस टेबलेट को अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है, तो ऐसी महिलाओं को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है और उसका बीपी लो हो गया है, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा बुजुर्ग है, तो ऐसे बुजुर्ग पेशेंट्स को भी इस टेबलेट को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा किटोरोलैक टेबलेट क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, या फिर कोई डाउट है आपको किसी बीमारी को लेके, मेडिसिन को लेके, हेल्थ इशू है, तब आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव डोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे।